हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चंस थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय और मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित होंगे। यदि आप मेरी वीडियो थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिंक ओपन करके थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ लें ताकि आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी सच दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू 3/5। इफ एसी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर देन एई इज इक्वल टू व्हाट। तो आइए फिगर के माध्यम से हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो फिगर में देखते हैं जिसमें हमें गिवन दिया गया है ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल बीसी एंड एसी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो हम फिगर में देख सकते हैं जो डी और ई है वो साइड एबी और एसी पर लाई कर रहे हैं जो कि ट्रायंगल एबीसी के दो साइड्स हैं। तो थेल्स थ्योरम से इनके साइड्स का रेशियो, साइड्स का अनुपात बराबर हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें साइड ए बी का रेशियो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 3/5 गिवन दिया गया है और ए ई अपॉन ई सी का अनुपात हमें नहीं मालूम, लेकिन ए सी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर गिवन दिया गया है। हमें इस इक्वेशन से ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम ए ई को लेट कर लेते हैं एक्स। लेट ए ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर देन ई सी इज इक्वल टू 5.6 माइनस एक्स। हमें ए सी का लेंथ 5.6 सेंटीमीटर गिवन दिया है और ए सी में हम ए ई को घटा देंगे तो हमें ई सी मिल जाएगा। नाउ अब हम सभी वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। ए डी अपॉन डी बी का रेशियो 3/5 और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो x अपॉन 5.6 माइनस x पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो ए ई बराबर 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ई बराबर हमने x लेट किया था। यहाँ से हम ए ई की वैल्यू फाइंड कर लिए 2.1 सेंटीमीटर। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। ए ई की वैल्यू हमें 2.1 सेंटीमीटर मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ बीसी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर देन ईएफ इज इक्वल टू व्हाट। अब आप सभी फिगर को ध्यान से देखिए। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके सभी साइड्स का रेशियो समान होगा। यदि दोनों ही ट्रायंगल के सभी साइड्स का रेशियो समान है तो इनके पेरीमीटर का भी रेशियो समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का जो रेशियो होगा वो साइड बीसी और ईएफ के रेशियो के बराबर हो जाएगा, जो कि बीसी और ईएफ दोनों ही करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल्स हैं। अब हमें इस इक्वेशन से ई एफ का वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं
ef बराबर x, तब हम इक्वेशन में गिवन वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमें मिल जाता है 9 upon x = 30 upon 18। तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू हमें मिल जाता है 5.4 सेंटीमीटर। ef बराबर x लेट किया था हमने तो हमें ef की वैल्यू मिल गई 5.4 सेंटीमीटर। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है 5.4 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है इफ़ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:5 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू व्हाट। हमें इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि आपस में सिमिलर हैं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5। और हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि सेम होता है तो उनके पेरीमीटर का भी रेशियो सेम होगा, लेकिन ट्रायंगल के एरिया के रेशियो की बात करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके रेशियो का स्क्वायर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर। यहाँ एबी और डीई दोनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 3:5, तो हम एबी की जगह 3 पुट अप करेंगे और डीई की जगह 5 पुट अप करेंगे। ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं। अब इनका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो हमें मिल जाएगा। स्क्वायर करने पे हमें 9/25 मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 9:25। दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 9:25 मिल गया तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर एंड बीसी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू 2/3 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर और करस्पॉन्डिंग साइड बीसी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो क्या होगा। जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया का स्क्वायर निकालने के लिए हम करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर रहे थे, तो हम यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्यूआर का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर होगा। क्यूआर और बीसी दोनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ट्रायंगल के, हम क्यूआर इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और बीसी इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू 9/4 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करने पर हमें 9/4 मिल रहा है जो कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का अनुपात है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू व्हाट। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी जो है मिड पॉइंट है साइड ए बी पर और ई जो है मिड पॉइंट है साइड ए सी पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का अनुपात क्या होगा? यदि हम फिगर की बात करते हैं तो हमें गिवन दिया हुआ है साइड ए बी पर डी मिड पॉइंट है और साइड ए सी पर ई मिड पॉइंट है। तो डी और ई दोनों ही साइड्स ए बी और ए सी को दो इक्वल अनुपात में बांटेगा और साथ ही साइड को दो बराबर लेंथ में बांटेगा। तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2। और एंगल ए दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई की हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का अनुपात निकालने के लिए हम इन करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी अपॉन ए डी 2:1 है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का अनुपात 4:1 मिल जाएगा। तो हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है 4:1, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाय एवरीबॉडी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।